देखो ये सरकार की उदासीनताएं हैं, ये सरकारी तंत्र की उदासीनताएं हैं, जो गरीबों को आवास नहीं मिल पा रहे हैं, किसानों को सिंचाई के लिए फसल उगाने के लिए समय से नहरों में और नलकूपों से पानी नहीं मिल रहा है। भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी किसान संगठन के जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं और किसानों को राम भरोसे छोड़ दिया है। जहां किसान बिल से किसानों को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है था, तो वहीं प्रदेश में महिला अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। बदमाश महिलाओं को जेब चाहते हैं, निशाना बना लेते हैं, जिसके चलते महिलाओं को इज्जत और जान बचाना मुश्किल पड़ रहा है। कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ चुका है। इस संकट में जहां हर बार वर्ग प्रभावित हुआ, वहीं उसी कड़ी से हमारा अन्नदाता किसान भी आता है। इन्होंने कहा कि हम चाहे कोई भी काम क्यों ना करते हों, मगर किसान और खेती से वास्ता हम सभी को पड़ता ही है। कोरोना काल में जहां भी धंधे चौपट हो गए थे, उस वक्त अन्नदाता ही हर आम और खास के साथ खड़ा दिखा। अगर किसान भी अपना मुंह मोड़ लेता तो इतनी मौत कोरोना महामारी से नहीं हुई जितनी भूख से होती। इसके बावजूद किसान के हितों को अनदेखा किया जा रहा है। हमारे किसानों को सरकार को योजनाओं से धरातल पर कोई लाभ नहीं मिलता, नेता अधिकारी ही हजम कर लेते हैं, जिसके कारण किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। कोथावा के पिपरी गांव में 14 वर्ष पूर्व में निर्माण हुए नलकूप को सिंचाई के लिए सरकार के नुमाइंदों से संचालित नहीं करा पाया, जिससे वहां के किसानों ने अपनी जमीनों को तरती पड़ा रखने का फैसला कर लिया था, जिसे संचालित कराने के लिए हर जिम्मेदार अधिकारी से गुहार लगाई गई। सभी ने अनसुना कर दिया, जिसके पश्चात बेनीगंज के विद्युत पावर हाउस में धरना प्रदर्शन करते हुए इस मांग को उठाया गया। तब जाकर किसी तरह नलकूप को संचालित कराया गया। सरकारी तंत्र यहां मानने को तैयार नहीं है कि खेती से हम सभी का जीवन जुड़ा है। डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, वकील, पुलिस इत्यादि की तो हमें अपने जीवन में कभी कभी ही जरूरत पड़ती है, लेकिन किसान और खेती की हमें हर पल जरूरत पड़ती है। चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, दूध, शक्कर, मैदा, आटा, चावल, दाल, फल, सब्जी इत्यादि हमें हर रोज़ चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज किसान परेशान है, उसी तरह से लगातार महिलाएं शोषण का शिकार हो रही हैं। महिला संबंधी अपराध प्रदेश में तेजी से बढ़े हैं। सरकार को जुमलेबाजी से फुर्सत नहीं है, अधिकारियों को फाइलों से अब किस तरह से गरीब मजबूर किसानों का उद्धार हो सकेगा। संवाददाता पुनील कुमार की रिपोर्ट। डन करो। देखो ये सरकार की उदासीनताएं हैं, ये सरकारी तंत्र की उदासीनताएं हैं, जो गरीबों को आवास नहीं मिल पा रहे हैं, किसानों को सिंचाई के लिए फसल उगाने के लिए समय से नहरों में और नलकूपों से पानी नहीं मिल रहा है, शौचालय के नाम पर ठगी की जा रही है, सरकार के जिम्मेदार लोग समय पर जा कर के पात्र अपात्र का चिन्हीकरण नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ में यही जब समस्याएं अधिक हो जाती हैं, तो हम किसान यूनियन के लोगों को मुद्दा बनाकर उठाना पड़ता है, और उसके बाद भी जब हम लोग नोटिस या ज्ञापन के माध्यम से सरकार के लोगों यानी अधिकारियों को जब सूचित कर देते हैं, उसके बाद भी 10 से 15 दिन का हम लोग समय देते हैं, और तब भी ये उदासीन लोग मौके पर जाकर समस्याओं का निस्तारण नहीं करते हैं, समस्याओं को देखते नहीं हैं, जिनके कारण आज के समय में जनपद हरदोई का किसान त्राही त्राही कर रहा है। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, बैंकें स्वतंत्र हो गई हैं, सरकारी तंत्र में बैठे जिम्मेदार सब स्वतंत्र हो गए हैं, वो किसानों को किसी प्रकार का लाभ नहीं देना चाहते हैं, और अगर कहीं इक्का दुक्का किसानों को दे देते हैं तो उनसे धन की उगाही कर लेते हैं, जिनमें प्रधानों का भी ग्राम पंचायतों में बड़ा अच्छा रोल रहता है, वो अपने लिए ही व्यवस्थाएं करने में 5 वर्ष गुजार देते हैं, और किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में वो भी नाकामयाब साबित होते हैं। जनपद में अगर आवास की बात की जाए, तो CDO महोदया अपने ऑफिस से निकल करके इतना ग्राम पंचायतों में जा कर के नहीं देखना चाह रही हैं कि वास्तव में जो गरीब किसान हैं उनको आवास मिला है या नहीं, जबकि आज भी 80% हमारे वास्तविक जो गरीब किसान हैं, जो भूमिहीन हैं, वो टूटे फूटे घरों में, कच्चे घरों में झोपड़ी डालकर जीवन यापन करते चले आए हैं। अभी नलकूप खराब हुआ था विकासखंड कोथावा के
पिपरी गांव में, जिसको हम लोग वर्षों से लगे थे, अब जा करके जब उसको बीनीगंज के पावर हाउस में धरना प्रदर्शन किया तब जा करके वह नलकूप चालू हो पाया। तो इसलिए विद्युत विभाग और जल निगम ये सब बड़े उदासीन हैं, किसके बारे में क्या कहा जाए, ये सब मजबूर करते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, सड़क जाम करने के लिए, लाइन आर्डर को हाथ में लेने के दे देते हैं, तो उनसे धन की उगाही कर लेते हैं, जिनमें प्रधानों का भी ग्राम पंचायतों में बड़ा अच्छा रोल रहता है, वो अपने लिए ही व्यवस्थाएं करने में 5 वर्ष गुजार देते हैं और किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में वो भी नाकामयाब साबित होते हैं। जनपद में अगर आवास की बात की जाए तो CDO महोदया अपने ऑफिस से निकल करके इतना ग्राम पंचायतों में जा करके नहीं देखना चाह रही हैं कि वास्तव में जो गरीब किसान है उनको आवास मिला है या नहीं, जबकि आज भी 80% हमारे वास्तविक जो गरीब किसान है, जो भूमिहीन है, वो टूटे फूटे घरों में, कच्चे घरों में झोपड़ी डालकर जीवन यापन करते चले आए हैं। अभी नलकूप खराब हुआ था विकासखंड कोथावा के पिपरी गांव में, जिसको हम लोग वर्षों से लगे थे, अब जा करके जब उसको बीनीगंज के पावर हाउस में धरना प्रदर्शन किया तब जा करके वह नलकूप चालू हो पाया। तो इसलिए विद्युत विभाग और जल निगम ये सब बड़े उदासीन हैं, किसके बारे में क्या कहा जाए, ये सब मजबूर करते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, सड़क जाम करने के लिए, लाइन आर्डर को हाथ में लेने के लिए। अगर यही लोग होश में आ जाएं तो बहुत किसानों का भला हो सकता है। हम भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के लोग तत्पर हैं, किसानों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने का कार्य कर रहे हैं और हम लोग यह करते रहेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बहुत ही किसानों के प्रति सक्रिय व्यक्तित्व हैं और उनके आदेशों का पालन हम सभी जनपद हरदोई में करते हैं और करते रहेंगे। शासन प्रशासन को जो करना है वो उनकी मंशा है, उनकी स्वतंत्रता है, वो करते रहें। हम किसानों को न्याय दिलाने के लिए किसी भी सूरत में पीछे रहने वाले में से नहीं हैं। हमें अगर ये भ्रष्ट तंत्र जेल भी भेज देता है न्याय की आवाज़ उठाने में, तो हमको वो भी स्वीकार है।